दोस्तों, मैं हूं कुंतल सरकार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक नाउ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है कि टाइनी डीबी इस कंपोनेंट के बारे में। टाइनी डीबी एक स्टोरेज डिवाइस है। आप टाइनी डीबी का हेल्प से आप कुछ भी डाटा स्टोर कर पाएंगे, लेकिन ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज नहीं है। ये एंड्रॉइड डिवाइस का लोकल सिस्टम में ये डाटा रह जाएगा। अगर आपका एप्स आप क्लोज कर देंगे उसके बाद भी फिर दोबारा ओपन करेंगे तो फिर भी आपको डाटा मिल जाएगा। तो यही टाइनी डीबी का यूटिलिटी है। तो आज इस वीडियो में हम टाइनी डीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं। पहले ये जो स्क्रीन वन है, इस स्क्रीन वन को स्क्रोलेबल कर दीजिए। ये स्क्रोलेबल ऑलरेडी मैंने क्लिक करके रखा हूँ, इसको स्क्रोलेबल कर दीजिए। फिर इसमें मैंने दो वर्टिकल अरेंजमेंट लिया हूँ, एक इनपुट डाटा के लिए और एक डिस्प्ले डाटा के लिए। इसमें पर्पस क्या है, ये इनपुट डाटा में मैं डाटा इनपुट करेंगे, ये मोबाइल नंबर इनपुट करेंगे, फिर नेम, फिर ईमेल आईडी। जब सेव बटन क्लिक करेंगे तो ये तीनों डाटा मोबाइल नंबर का टैग में ये नेम एंड ईमेल आईडी स्टोर हो जाएगा। और ये रिफ्रेश बटन मैंने रखा हूँ ये टाइनी डीबी को जितना डाटा है वो डिलीट करने के लिए। और देखिए, ये दूसरा जो वर्टिकल अरेंजमेंट है डिस्प्ले डाटा, इसमें मोबाइल नंबर जब देंगे फिर डिस्प्ले बटन दबाने के बाद वो उसका नेम और ईमेल आईडी इस लेवल में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें और एक चीज नोटिस कर लीजिए, ये जो मोबाइल नंबर है इसका इनपुट, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका इनपुट डाटा टाइप मैंने नंबर रखा हूँ और ये नेम एज इट इज इसको नेम रखा हूँ और ईमेल आईडी के लिए इसको ईमेल इनपुट टाइप रखा हूँ। ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स है और ये डिस्प्ले डाटा में ये मोबाइल नंबर ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने यूटिलाइज किया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कंपोनेंट टाइनी डीबी ये स्टोरेज के अंदर में आई है। इधर देखिए, टाइनी डीबी एक कंपोनेंट है, इसको ले लेता हूँ और एक नोटिफायर कंपोनेंट ले लेंगे। नोटिफायर का यूटिलिटी आपको तो पहले पता हो चुका है पिछला वीडियो में कि ये अलर्ट मैसेज शो करने के लिए हम नोटिफायर यूज करते हैं। तो ये टाइनी डीबी और नोटिफायर दो कंपोनेंट ले लिया हूँ। अभी चलिए इसका ब्लॉक सेक्शन में ब्लॉक्स को हम प्रोग्राम कर लेते हैं। तो ये बटन सेव इसको क्लिक कीजिए। तो इसमें एक चीज हम देंगे, दैट इज कंट्रोल इफ देन, एक लूप यूज करेंगे, इफ देन एल्स। अगर मोबाइल नंबर ब्लैंक रहेगा तो एक नोटिस डिस्प्ले होगा, नोटिफायर का हेल्प से एक नोटिस डिस्प्ले हो जाएगा कि मोबाइल नंबर ब्लैंक है, या मोबाइल नंबर का अगर मानिए कि डिजिट 10 डिजिट नहीं है तो ऐसा टेक्स्ट मोबाइल नंबर डॉट, इसको हम रखेंगे टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10। तो मोबाइल नंबर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें 10 डिजिट का अगर एंट्री होगा तो क्या होना चाहिए। तो ये टाइनी डीबी में ये स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? नेम एंड ईमेल आईडी और उसका टैग रहेगा वो मोबाइल नंबर। तो चलिए टाइनी डीबी का क्या फंक्शन मिलता है, इधर देखिए, स्टोर वैल्यू, कॉल टाइनी डीबी और इसमें टैग होगा ये मोबाइल। ये मोबाइल नंबर टैग का अंडर में वैल्यू स्टोर होगा, लेकिन वैल्यू हम स्टोर करेंगे तो इसके लिए दो वैल्यू स्टोर होगा। तो इसके लिए और एक हम कंपोनेंट यूज करेंगे, ब्लॉक यूज करेंगे, दैट इज जॉइन। तो देखिए इसको कैसे हम रेडी करता है। इस जॉइन में आएगा टेक्स्ट नेम, इस जॉइन में आप जॉइन कीजिए नेम वाला टेक्स्ट। इसमें देना चाहिए बीच में कॉमा देना चाहिए,
इधर एक कॉमा देना चाहिए, फिर आएगा ईमेल आईडी। इसको टेक्स्ट कर लीजिए, अगर टेक्स्ट मोबाइल का टेक्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लेंथ 10 नहीं है तो क्या होना चाहिए, नोटिफायर का हेल्प से एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इसमें अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होगा अगर मोबाइल नंबर जो बॉक्स है उसमें अगर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंट्री नहीं किया है तो इसमें क्या एरर आएगा, एंटर मोबाइल नंबर करेक्टली। फ्रेंड्स, ये जो नेम हम स्टोर करेंगे इसको हम अपर केस में स्टोर करेंगे, तो इसके लिए और एक ब्लॉक हम यूटिलाइज करेंगे, दैट इज अपर केस। इस ब्लॉक को हम यूटिलाइज करेंगे, तो कोई भी नाम अगर आप स्मॉल में भी डालेंगे तो अपर केस में कन्वर्ट होके टाइनी डीबी में स्टोर होगा। तो ये बटन से क्लिक करने से ये सब फंक्शन हो जाएगा। अभी चलिए हम देखते हैं कि और एक डिस्प्ले बटन का काम। इस डिस्प्ले बटन में हम जब क्लिक करेंगे तो इस लेवल में डाटा डिस्प्ले होना चाहिए, कौन सा डाटा, जो मोबाइल नंबर इधर डालेंगे। इसमें भी एक नोटिफायर लगाएंगे कि अगर मोबाइल नंबर कोई 10 डिजिट का नहीं डाले तो अलर्ट मैसेज शो करेगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। हाँ, तो ये है बटन डिस्प्ले, इसका ये क्लिक वाला ब्लॉक ले लीजिए, फिर इसमें एक इफ एल्स का लॉजिक डालिए, इफ देन इसमें एल्स ऐड कर लीजिए, इस लॉजिक डालिए और इस ब्लॉक दीजिए। सिमिलरली ये जो टेक्स्ट बॉक्स जहां हम मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे सर्चिंग के लिए उसका नाम है टेक्स्ट सर्च, तो इसको टेक्स्ट सर्च को लीजिए, इसको चेंज कीजिए टेक्स्ट में, फिर इसको इधर डाल दीजिए, नहीं इसको टेक्स्ट लेंथ रखिए, टेक्स्ट लेंथ, अगर टेक्स्ट लेंथ 10 है, 10 नंबर 10 है तो फिर बाकी कम होगा, नहीं तो अलर्ट मैसेज शो होगा विद द हेल्प ऑफ नोटिफायर। तो अगर 10 है टेक्स्ट लेंथ तो क्या होना चाहिए, लेवल डिस्प्ले में पूरा डाटा शो होगा। तो चलिए देखते हैं टाइनी डीबी में आइए, इसमें देखिए एक ब्लॉक है गेट वैल्यू, इसको लीजिए, लेकिन ये लेने से पहले आप लेवल डाटा को ले लीजिए, लेवल डाटा इसको लीजिए, इसको कर दीजिए टेक्स्ट। लेवल डाटा में टाइनी डीबी का वैल्यू शो होगा, लेकिन कौन सा टैग का वैल्यू शो होगा ये सर्च बटन में आप जो मोबाइल नंबर डाले हैं वही शो होगा इसमें। नाउ इट इज कंप्लीट। अगर टेक्स्ट लेंथ 10 नहीं है तो क्या है, ये नोटिफायर इसको डुप्लीकेट करके इधर बैठा दीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया डिस्प्ले बटन का ब्लॉक सेक्शन। अभी और एक बटन बाकी रह गया, दैट इज रिफ्रेश। इस रिफ्रेश का काम यही है कि टाइनी डीबी में जो डाटा स्टोर हुआ है उसको कंप्लीटली डिलीट करने के लिए, क्योंकि टाइनी डीबी में आप जो डाटा स्टोर करेंगे आपका एप्स को अगर आप क्लोज कर देंगे फिर भी वो डाटा रह जाएगा, आप दोबारा जब एप्स को ओपन कीजिएगा फिर वो डाटा आप रिट्रीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको कंप्लीटली डिलीट करने के लिए तो इस रिफ्रेश बटन का यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए रिफ्रेश बटन का प्रोग्राम भी ब्लॉक्स भी हम कर लेते हैं। ये बटन रिफ्रेश का क्लिक ले लीजिए और इसमें
टाइनी डीबी क्लियर ऑल डाल दीजिए। फ्रेंड्स इसमें एक छोटा सा गलती हो गया, ये जो टेक्स्ट लेंथ है इसको टेक्स्ट कर दीजिए, ये गलती से टेक्स्ट लेंथ ही रह गया। एक्चुअली ये जो है ये टेक्स्ट लेंथ है, लेकिन ये टेक्स्ट मोबाइल डॉट टेक्स्ट, इधर भी सेम गलती हुआ होगा, ये टेक्स्ट सर्च डॉट टेक्स्ट नॉट टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, तो अभी इसको सेव करके इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, हाँ फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है इनपुट डाटा, इसमें मैंने स्टोर कर रहा हूँ 9434644655 एक नंबर, मेरा नाम दे रहा हूँ कुंतल सरकार और मेल आईडी दे रहा हूँ के, ये मेरा मेल आईडी। ठीक है, इसको अभी सेव कर देता हूँ, ये डाटा स्टोर हो गया टाइनी डीबी में। और एक मैंने स्टोर करने वाला हूँ और एक नंबर, ये 9434077775, इसमें मानिए कि मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ अनुज शर्मा, हाँ मेल आईडी मैं एक सैंपल कुछ एग्जांपल के तरह से ए शर्मा 49। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये डाटा दोनों डाटा मैंने सेव कर लिया हूँ, अभी इसको देखेंगे रिट्रीव करेंगे। तो पहला नंबर कोई भी एक नंबर 9434644655 देन डिस्प्ले, ये देखिए कुंतल सरकार, और कुंतल सरकार कैपिटल में आया है। ये जो यूके मैंने फंक्शन लगाया था ब्लॉक्स, हाँ तो एक्चुअली ये स्मॉल में मैंने स्टोर किया, लेकिन वो कैपिटल होके स्टोर हुआ है। अच्छा अभी दूसरा नंबर देखते हैं 9434077775, देखिए अनुज शर्मा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइनी डीबी। अभी इसको अगर डाटा को हम डिलीट करना चाहेंगे तो रिफ्रेश बटन को दबाना पड़ेगा, और मानिए कि ये डाटा आपका ये एप्लीकेशन ऑफ क्लोज कर देने का बाद भी ये डाटा टाइनी डीबी में रह जाएगा आपका एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर। ठीक है, जब तक ना इसको रिफ्रेश बटन दबा के आप डाटा को डिलीट करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।